सो हाय दोस्तों, मैं आपके इसके और आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल स्किल टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ही हम बेसिकली कुछ कुछ पार्ट्स है, जैसे कि एक कन्फ्यूजन रहता है, जैसे कि हाल ही फिल्म जो IOCL में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो अदर ब्रांचों को थोड़ा सा छाट दिया गया, ठीक है, हम उसके संबंध में बात करेंगे। और ये वीडियो स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो डिप्लोमा के जो कैंडिडेट हैं केमिकल, ठीक है, उनके लिए है। और जो केमिकल का पैटर्न है सेम, मतलब एक प्रोसेस जिस तरह से होता है सेम टू सेम अदर ब्रांचों के लिए भी होते हैं, ठीक है। तो मैंने जब बात किया तो पता किया भाई क्या क्या चल रहा है। तो देखिए, इसमें भी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डरने वाली बातें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा हाई फाई। अगर आप पहली दफ़ा इंटरव्यू दे रहे हैं तो थोड़ा सा लग सकता है आपको, क्योंकि जो HPCL का इंटरव्यू होता है ना, ये काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल का होता है, ठीक है, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं मैं दूसरे के इंटरव्यू को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनका भी काफ़ी स्टैंडर्ड होता है और काफ़ी एक अच्छा तरह से होता है, बट HPCL लिटिल बिट डिफरेंट, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग होता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, बिलीव मानिए। और देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एज पर सिलेक्शन रेशियो, ठीक है, अगर मैं सिलेक्शन रेशियो की बात करूँ तो देखिए, इससे पहले भी जो है ना 5-6 रेशियो में सिलेक्शन किए थे, ठीक है, से सीट अगर मान लेते 90 रहेगा तो 400-500 लोगों को वो लोग बुलाए हैं, ठीक है। HPCL में ये एक बहुत सारा ट्रेंड रहता है और वो बुलाते हैं, कि मे भी हो सकते 6-7 लोग भी बुलाते हैं। कहने का मतलब बेसिकली ये है कि एक अगर वन वो जैसे IOCL 1:2 रेशियो में बुलाते हैं तो एक कटअप जाता है, इसमें काफ़ी कटअप जो नीचे चला जाता है। तो ऐसा नहीं कि जिनका हुआ है तो एक चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपने क्वालिफाई किया है, इट्स शो योर रिजल्ट एंड से हैप्पी होना चाहिए कि आपने इतना दिन से वर्क किया है, आपको कुछ ना कुछ हुआ है, इट्स ए गुड, इससे ज़्यादा आपको काफ़ी सारे एक्सपीरियंस होंगे। तो हम यहाँ पर उनके लिए बात करेंगे जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं और नॉन फ्रेशर कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी बात करेंगे, बेसिकली दोनों के लिए क्या क्या होता है। देखिए, यहाँ पर दो सेक्शन है आपका, जब हाँ एक और बात बता देता हूँ कि जो लोग जैसे एक कोर ब्रांच होता है ना केमिकल इंजीनियर जिसको बोला जाता है, ठीक है, तो आपको पेट्रोकेमिकल हो, फर्टिलाइजर हो या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, सब लोग एक्सेप्टेबल है वहाँ। अभी तक कोई पिछले साल मतलब कोई दिक्कत नहीं, देखिए ऐसा नहीं, फर्टिलाइजर के वाले को मुंबई में तो नहीं लिया था, बट वाइजाग में लिए थे, हो सकते इस बार ले चाना ले, मैं इस संबंध में नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ इस उम्मीद से ना जाए कि मुंबई में नहीं लिया था या फिर कोई और में नहीं लिया था तो इस बार नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको होगा, ठीक है, डेफिनेटली आप जाइए, अगर आपको बुलाया गया है, ठीक है, तो आप ज़रूर जाइए वहाँ अटेंड किया, हो सके इस बार भी ले लें, क्योंकि पिछली बार मैंने इस बात को पूरा कैटेगरीफाई करके पूछा कि भाई क्या, तो बोला नहीं पिछली बार लिए गया था, ठीक है, सो कोई बात नहीं। हाँ, अगर जो लोग ट्वेल्थ के बाद डिप्लोमा करते हैं या फिर IT के बाद डिप्लोमा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो लोग भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्लियर है। ये आर्टिकल में केमिकल ब्रांच की बात करूँ और दूसरे ब्रांच में हो सकता है एक्सेप्टेबल, लेकिन उसके बारे में मैं कंफर्म अभी बता नहीं सकता, क्योंकि केमिकल में ज़्यादा लोग मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं डिसएग्री हुआ था कि नहीं इस ब्रांच को नहीं लेंगे, इस ब्रांच को नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा मेंशन कुछ और है, आपके पास कुछ और है, जबकि वो लोग पढ़ते हैं सेम चीज़ है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो लोग अलग पढ़ते हैं, दे आर रीडिंग सेम थिंग, ओके। तो इस बात के अब दूसरी बात करते हैं हम लोग आपका, देखिए जहाँ तक बहुत सारे जो बात कर रहे थे कट ऑफ केयर, तो कुछ लोगों को 65 नंबर की 60 नंबर है, मैं एग्जैक्ट में केमिकल में नहीं बता सकता कितने कट ऑफ जा रहे हैं, नहीं, लेकिन ये है कि 60-62 पे ये लोग को बुलाए हैं, इनके 65 है 65 है जिनके काफ़ी मार्क्स है, वो लोग को बुलाए गए हैं, और डिफरेंट कैटेगरी के अनुसार डिफरेंट हो सकता है, इट्स मार्क्स भी पॉसिबल, बट आपको देखिए आप ये चीज़ है ना, देखो एक चलो ठीक है, पहले उसके मैं बात करता हूँ कि क्या क्या मतलब हुआ। देखिए आप वहाँ जाएगा तो आपको पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो तो सारा चीज़ होंगे, ठीक है, वो सारा चीज़ होता है। हाँ, एक चीज़ और इसमें हम ऐड करना चाहता हूँ कि जो HPCL में जो इंटरव्यू होते हैं उसके लिए आने जाने का जो टिकट होता है ना, वो फेयर वो सारे कैंडिडेट को देते, वो ये नहीं पता है कि OBC है या SC ST है या जनरल, इंस्पेक्टिव ऑल ऑफ द स्टूडेंट सबको वो आने जाने का फेयर देते हैं, तो आप अपने टिकट जो अच्छे से ले जाइएगा कंपाइल करके, ठीक है, उनके पास दे दीजिएगा, खासकर आपके पास अकाउंट नंबर ये सब चीज़ें होना चाहिए ताकि उसमें आप भर सके, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। और एक चीज़, हाँ, जब टिकट ख्याला है तो मैं एक बार बता देता हूँ, ऐसा तो ये तो इसमें आपको फुल फेयर पे कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ
कि अगर भारत सरकार में आप कहीं भी जॉब जॉब के लिए अप्लाई की है या फिर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, तो रेलवे जो है ना आपको 50% कंसेशन देती है टिकट में, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको 50% स्लीपर, सेकंड क्लास स्लीपर जो होता है उसमें आपको 50% कंसेशन देती है। ये चीज़ आपको रेलवे स्टेशन है जहाँ पर टिकट काउंटर है वहाँ पर एक बोर्ड लगा रहता है, वहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर लिखा हो रहा था। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि जब इंटरव्यू दे रहा था तो मुझे नहीं पता था, जब मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया तब मुझे ये चीज़ उसी रेलवे स्टेशन के उसी बोर्ड पर मुझे देखने को मिला, उसके बाद हर एक जगह मिला, ठीक है। तो अगर आपको इसका बेनिफिट लेना चाहते तो आपको करना क्या है कि आपको बताना है कि सर मुझे इंटरव्यू देने जाना है, तो आपको इंटरव्यू का एक कॉपी लेगा कि कौन सा इंटरव्यू देने जाना है, कहाँ पूरे मेंशन हो, तो उसके अनुसार एक कंसेशन का एक अलग लाइन होता है, वहाँ आप जाके ले सकते हैं, ठीक है। आप बताइएगा तो वो दे देंगे मोस्टली। तो ये सब चीज़ें तो हो गया, दूसरी बात करते हैं। देखिए आपको केमिकल में है कि दो है, एक तो है प्रोजेक्शन है, एक प्रोजेक्टर लगा रहता है और प्रोजेक्टर पे काफ़ी सारे जो फिगर है बनाए रहते हैं, बहुत वेरियस टाइप ऑफ सिंबल, जैसे कि पंप का है, पंप बना दिया जाएगा कि पंप में किस किस टाइप का पंप होते हैं, वो पूछेंगे, देखें कि इस किस टाइप का पंप है, हो सकता है ज्वाइंट पूछेंगे कितने टाइप का ज्वाइंट, जैसे फ्लेंज है, गैस्केट है, ज्वाइंट है, होता ना टी टाइप, यू टाइप, यूनियन, एल्बो, ये सब जो जो है टर्म, ये सब पूछा, फिगर बना बना के आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसमें आता सिंबल, पूछते हैं कि टर्बाइन का सिंबल क्या है, पंप का सिंबल क्या है, एक्सचेंजर का सिंबल क्या है, फर्नेस का सिंबल क्या है, ब्लोअर का सिंबल क्या है, क्योंकि मेरे दोस्त उनसे पूछा जाए कि ब्लोअर का सिंबल क्या है, तो आपको ये चीज़ें पूछा जा सकता है और पूछते ही हैं, ठीक है। मुंबई में भी ऐसा हुआ था, पर ये लोग बोले कि कहाँ पर क्वेश्चन है जाके एक प्रोजेक्टर पे जो फिगर रिलेटेड जितना सारे हैं वो पूछते हैं कि आइडेंटिफाई कराते हैं। इवन हो सकता है ये भी कि जो फायर सेफ्टी से रिलेटेड है कि DCP लाएँ, बोले कि ये कौन सा क्या है DCP है या किस टाइप का DCP है, ये किसके लिए उपयुक्त है, मतलब लिक्विड सॉलिड एंड गैस किसके लिए, जो एक्सटिंग्विशर के लिए फायर एक्सटिंग्विशर यूजफुल है, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कितने टाइप, जैसे कि फायर हाइड्रेंट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है, HVLR करके होता है, हाई वैक्यूम लॉन्ग रेंज करके आता है, वो बहुत ऊंचा रहता है, बहुत हाई तक जाता है, तो उससे पूछा जाता है, हाइड्रेंट का फोटो बना सकता था, तो ये सब बहुत ही नॉर्मल चीज़ें, कॉलम का फोटो बना दिया तो पूछेंगे ये किस टाइप कॉलम हो सकता है, या फिर स्टैक का कॉलम बता देते इसमें, तो एक चीज़ें जो है ना, मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्टर में ये सब चीज़ें पूछा जा सकता है, बनाते हैं और पूछते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें एक बार फिर से रिविजिट कर लेना है, देख लेना है भाई कैसा कैसा सिंबल किसी का होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। पहला तो इससे ये मैंने इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा तो टाइम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ एक रफली आपको समझे कि 2-3-4-5 मिनट तक हो सकता है ले, इसमें टाइम नहीं ले। ये होने कंप्लीट होने के बाद आपको पूछा जाएगा इंटरव्यू। ये इंटरव्यू जो है ना नॉर्मल इंटरव्यू होते हैं, और बेसिकली इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आप एक्सपीरियंस का है तो एक्सपीरियंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा ही, और आप उससे अच्छा से करके जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पूछा पूरा कैटेगरी वाई करें एक्सपीरियंस से किस टाइप का क्वेश्चन पूछते, वो तो एक्सपीरियंस से बिल्कुल क्वेश्चन पूछ रहे थे और काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे, ठीक है। तो हो सके आप बहुत अच्छे जो हाँ आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसे सपोज दैट अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो मतलब हो गए 4-6 महीना आपके पास कंप्लीट हो गया, दैट मीन यू हैव सम टाइम एक्सपीरियंस। तो अभी भले आपके पास सर्टिफिकेट नहीं, लेकिन आपने काम कर रहे हैं, आप बता रहे हैं उनको, तो क्या हो सकता है उनसे पूछें, आपसे पूछें कि भाई कौन कौन यूनिट में हो, कहाँ से काम की हो, कैसे काम की हो, कैसे वर्क होता है, तुम क्या करते हो, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ फिर से कि ये जो है पूरा जो एक पर्सनल इंटरव्यू की तरह होगा, फील्ड में ले जाके नहीं करने वाले हैं, ठीक है, ड्यू टू कोविड इज स्टिल ऑन फॉर ऑल ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, लाइक दैट। तो अभी थोड़ा सा चीज़ों को लेकर अंदर नहीं जा रहे, ठीक है, तो वो एक नॉर्मली पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक तो एक्सपीरियंस वाले के एक्सपीरियंस वाले से पूछा जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होता कि नॉर्मल चीज़ें आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मोलरिटी क्या है, नॉर्मलिटी क्या है, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा कि सिर्फ, हाँ ये तो मतलब एक्सपीरियंस कैंडिडेट का एक्सपीरियंस से पूछा जाएगा, डेफिनेटली आपको तैयारी करके जाना है, और जो लोग अभी एक्सपीरियंस ले रहे हैं अप्रेंटिसशिप कर, वो भी अच्छे से अपने यूनिट के बारे में तैयारी करके जाए, उनसे पूछा जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें। और स्पेशली मैं बोल रहा हूँ इसके अलावा जो जिनका फ्रेशर कैंडिडेट है, जिनका कुछ नहीं है, नहीं कुछ कर रहे हैं, या फिर जो अभी कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या फिर एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो उनसे बहुत ही जो आपको डायरेक्टली पूछ लेते हैं ये लोग कि पिछले साल का ये पैटर्न है भाई, कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप बता सकते, एक दो बताइए। मेरे ख्याल से एक बताना उचित नहीं हुआ,
अगर आपको लगता है तो बता सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ठीक है आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते आप दो भी बता सकते हैं, तीन भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें तो उसमें बहुत ही, अगर मैं सपोजर में बात करूँ, अगर सीआरई से अगर पूछा जाएगा तो बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैटलिस्ट क्या है, कितने टाइप का होते हैं, कैटलिस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको पूछने लगे रिएक्टर कितने टाइप का होता है। तो ये उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप बताते हैं सीआरई क्या है तो सीआरई में जितने भी बेसिक क्वेश्चन है ना वो सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, कैसे इफेक्ट करते हैं टेम्परेचर प्रेशर के साथ। अब जैसे मैं दोस्त वो बता रहे थे यार मेरे से मोलरिटी पूछा, मोलरिटी कितने टाइप का होते हैं, टाइप ही नहीं, मोलरिटी क्या है, मोलरिटी क्या है, ये सब चीज़ें जो नॉर्मल है ना उनसे पूछा गया था। कंडेंसेशन क्या है, कितने टाइप का है, एक्सचेंजर क्या है, जैसे वो बताया कि हमारा मोड जो हीट ट्रांसफर है वो सबसे फेवरेट है, वन ऑफ द, वो उन्होंने एक ही बताया था। तो उनसे पूछा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कितने टाइप का होते हैं, कैसे होते हैं, तो एक काफ़ी अच्छा एक वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, ठीक है। तो आपको बताना है ये चीज़ें, तो आपको एक सब्जेक्ट आपका एक्सपीरियंस है वहाँ से तैयारी करके जाइए, दोनों बेस्ट करके जाइए, ये चीज़ें आपको करना है। अगर आप मास ट्रांसफर पूछते हैं तो मास ट्रांसफर में जो कॉलम है, कैसे मास ट्रांसफर होते हैं, कितने टाइप का थ्योरी होते हैं, ठीक है। जैसे कि बता रहा था कि उनसे एक पूछ दिया था मैकेप थीलेट को, एक बताओ प्रोसेस बताओ कैसे कैसे क्या होता है, आप लिख के बताइए या फिर मतलब इवन हो सकता है डायग्राम बना के बताना होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। वो ऐसा नहीं क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है स्मॉल से, लेकिन हाँ उनका ये कहना था कि यार क्वेश्चन काफ़ी ईजी, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता। अगर सपोज दैट आपको, अगर वो कहते भी कि हमको कोई प्रूव करके दो, तो दो तीन लाइन बनाते हैं आप अच्छे से, तो वो मे भी छोड़ सकते हैं, ठीक। और डिपेंड कर रहे हैं उनके इंटरव्यू के पैनल पे। हाँ इंटरव्यू पैनल पे चार या पांच लोग रहते हैं, बोले थे चार लोग और रिफाइनरी के लोग। देखो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं ना क्योंकि वो लोग रिफाइनरी से, वो लोग काम कर रहे, तो जो बहुत सा थ्योरी वाला पार्ट है वो लोग खुद ध्यान में नहीं है, तो वो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो आपको बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे, जैसे कि अगर हम मास ट्रांसफर बताते हैं तो रिफ्लक्स पूछेंगे, रिफ्लक्स क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है रिफाइनरी में, ठीक है। कॉलम क्या है, कितने टाइप के कॉलम होते हैं, ठीक है। एब्जॉर्बर क्या है, एब्जॉर्बर किसको बोलते हैं, स्क्रबर किसको बोलते हैं, स्ट्रिपिंग किसको बोलते हैं, बहुत ही पंप है, पंप में कितने टाइप होते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो रिफाइनरी में रोज़ एवरीडे काम होता है उस पर बात किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं एक ही यही आरजू सबको बोलूँगा कि आपको एक एक्सपीरियंस है या फिर आप कर रहे हैं तो उसके अच्छे से करके जाना है। और दूसरी कि आपको एक सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से करके जाइएगा। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप, अगर आप जैसे मान लेते हैं रिफाइनरी में दो तीन यूनिट से, चार यूनिट से काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको किसी एक पार्टिकुलर यूनिट से काफ़ी अच्छे करके जाइए, उन्हें बताइए कि हम इसी यूनिट में थे, ऐसे ऐसे काम किए हैं, ठीक है। देखो उनका ये टेंशन ये नहीं कि क्या सीख, वो बस जानना चाहते हो आप जहाँ रह रहे हो वहाँ सीख रहे हैं या नहीं, ठीक है, ये इंटेंशन है, ओके। ताकि कल यहाँ आए तो वो सीख नहीं, क्योंकि एज कम्पेयर टू आई सी वहाँ काफ़ी वर्क लोड है, कहने वाला मैन पावर कम है, ये इन टर्म्स ऑफ नहीं, मतलब एच पी सी एल के अनुसार से तो मैन पावर सही है, मतलब एज कम्पेयर टू आई सी वर्कलोड ज़्यादा है, ठीक है, वजह से वो बता रहे थे। बट बाकी सारे कल्चर जो है ना काफ़ी सही है, इट्स गुड, ठीक है। थोड़ा बहुत तो आउटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्यों यहाँ जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि आप हो सकते हो दूसरे लैंग्वेज से, तो वहाँ क्यों आना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, एच पी सी एल, वाई वी चूज एच पी सी एल, ठीक है, जबकि आपको आई सी एल में काम मतलब अप्रेंटिसिप कर हो सकता है, वहाँ वैकेंसी है। तो इस टाइप के वियर्ड वियर्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल में आपको फॉर्चून 500 का रैंकिंग है, उसमें आई सी एल का 142 रैंक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, तो एच पी सी एल क्या रैंक है, ठीक है, थोड़ा बहुत ये पूछ सकते हैं। अभी जैसे एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यार कि बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया था कि हाल ही फिलहाल में क्या हुआ कि जो नितिन गडकरी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, उन्होंने बोला कि 2026-27 मतलब 27-28 ऐसा कुछ बोला था, बेसिकली चार या पाँच साल बोले थे कि 5 साल बाद जो है ना पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ बंद हो जाएगी, पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ बंद हो जाएगी। तो वो पूछ सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या थॉट रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एच पी सी एल का मेन प्रोडक्शन ये पेट्रोल डीजल है, अब बंद कर देंगे तो हमारे रिफाइनरी कैसे चलेगी। तो इस संबंध में आपको एक वाइड स्प्रेड जो आइडिया होता है ना वो चीज़ आपको रखना है, ठीक है। ऐसे इसका जवाब तो है काफ़ी सारे हैं, ठीक है, मैं अगर आप नहीं पता होगा तो मुझे कमेंट करके बताएगा, मैं उनको बताऊंगा। लेकिन हाँ इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब एक टॉपिक में था उस समय जब ये गडकरी साहब जब ये जब स्टेटमेंट दिए थे तब काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था कि क्या होगा रिफाइनरी के, क्या करेगा फिर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आसपास में क्या है, कैसे जाने आपको रिफाइनरी के बारे में, ये सभी थोड़ा थोड़ा नॉर्मल। फिर वो वाइजक के बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, क्यों करना है, कैसे काम करना है, ठीक है,
ये सब क्वेश्चन पूछा था। तो हर एक तरह से नोट सिर्फ और सिर्फ आप टेक्निकली बैकग्राउंड से नहीं, और सब बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत जो है ना न्यूज़ रूबरू होके आप तैयार करके जाइएगा। तो वही चीज़, जैसे कि भी मैं बात करूँ जो जो इंग्लैंड की रानी थी विक्टोरिया एलिजाबेथ जो तृतीय थी, शायद सेकंड या तृतीय जो भी हो, वो अभी डेथ करते, वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। ठीक है, रशिया यूक्रेन है वो ज़्यादा न्यूज़ में है, तो उनसे हमारा जो जो ऑयल का जो चीज़ें हैं ना थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस संबंध में थोड़ा बहुत एक दो लोग होते हैं ना वो पूछ देते हैं यार, ठीक है कि कैसे कैसे काम होगा कैसे नहीं करता, ठीक है थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी करके जाइएगा और मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, कंग्रेचुलेसन, आप अच्छे से अच्छे कीजिए। ठीक है, और कोई नेगेटिव भाव नहीं लीजिएगा कि भाई रीजनल ही ऐसा कुछ होता है, देखिए ऐसा मत सोचिए। मैं देखो ऐसा नहीं बोला, पिछले साल का अगर रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो रीजनली वहाँ हुआ है और होता है। इट्स मैं ये नहीं कह सकता यार कि वो उनकी चॉइस है यार, ठीक है वो उनकी चॉइस है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि यार कि ये सोच के बैठ जाना कि रीजनली चित्रपात होता है इस टाइप का, तो ये सही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा रहता ना तो वो बुलाते ही नहीं तुम्हें, ठीक है तो बुला रहे तो कुछ ना कुछ तो वजह हो सकती है ना। और समटाइम ये चेंज होते रहता है, ठीक है कि एक समय था मुंबई स्पेशल में बहुत सारे रीजनली होते थे, फिर वो ओपन वैकेंसी आना और सबको लेने लगे, तो ये डिपेंड अपॉन करता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है कि आप रिफाइनरी बाहर से एक्सपीरियंस ले रहे हैं काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ से छोड़ के चले जाइएगा जाए तो इसके क्या पॉसिबिलिटी है कि नहीं जाइएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत लोग छोड़ते हैं इसीलिए। ठीक है, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प फॉर यू, और समझने की आइडिया मिला कि हमें क्या क्या करना है पढ़ना है। और मैं ये बोलूँगा मेरे पुराने सारे वीडियो में जो है ना बहुत सारे सिंबल जो है ना फिगर वेज से मैंने समझाया था, वो आप देख सकते हैं कैसे करता है काम, वो चीज़ भी काफ़ी आइडिया मिलेगा। ठीक है, सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू।